हेलो, आई एम सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी स्टॉक को सिर्फ एक क्राइटेरिया से एनालाइज करना है और ये डिसीजन लेना है कि मुझे इस स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो कौन सा क्राइटेरिया होगा? मेरे लिए वो क्राइटेरिया होगा प्रमोटर होल्डिंग, यानी कि इस कंपनी के प्रमोटर्स या ओनर्स इस कंपनी में अपना स्टेक कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। क्योंकि हमें कंपनी को एनालाइज करने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हमें इस बात की क्लैरिटी उस कंपनी के प्रमोटर्स से ज्यादा नहीं हो सकती है कि किसी कंपनी का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर एक प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर्स सेल कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर एक प्रमोटर अपनी कंपनी के और शेयर्स बाय करता जा रहा है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उसे अपनी कंपनी के फ्यूचर पर बहुत कॉन्फिडेंस है। इसलिए जब भी आपको किसी कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करना हो तो स्टॉक बॉक्स की ऐप के अंदर जाइए, शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा खोलें और वहां देखें कि इस कंपनी के प्रमोटर अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। ये डेटा ऐप में आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा और बहुत क्लियरली आप इसको पढ़ भी सकते हैं, जिसके बाद सिर्फ 5 मिनट में हमें इस बात की क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक कंपनी से जुड़े सबसे खास लोग उस कंपनी के फ्यूचर पर कितने कॉन्फिडेंट हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Read all the related documents carefully before investing.